नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे, भाई एक वीडियो मैंने कल डाला था दिल्ली एयरपोर्ट से रिलेटेड, आपने सबने देखा है, काफ़ी लोगों ने उनको देखा भी होगा, नहीं होता भाई आपके सामने आ जाएगा, देख लेना। उसमें मैंने आपसे पूछा था, मेरे पास एक न्यूज़ आई थी फेसबुक के माध्यम से कि एयरपोर्ट पर पैसे मांगे गए जो राजस्थान के कर्मचारी हैं उनके द्वारा, तो उसका वीडियो से रिस्पॉन्स ये मिला कि जो जिस बंदे के साथ ये घटना हुई थी, इमरान खोकर चूरू राजस्थान, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूरी स्टोरी मुझे बताई, तो ये बात 100% सत्य पाई गई और ये हकीकत हुआ सामना। उन्होंने मुझे एविडेंस भी दिए और ये हकीकत हुआ कि उन्होंने पूरा मुझे स्टोरी बताया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि माजरा हुआ क्या, और आपको भी मैं सलाह दूंगा आगे आने वाले टाइम में कि आपको अगर एयरपोर्ट पे आपके साथ ऐसी स्थिति हो तो आपका क्या करना चाहिए। इमरान खोकर ने बताया कि मैं जैसे एयरपोर्ट पे पहुंच गया तो हमें बोला गया भाई राजस्थान के काउंटर पे जाएं, तो वो राजस्थान के काउंटर पे चला गया, तो उन्होंने बोला कि हम आपको होम क्वारंटाइन करेंगे या होटल के आप पैसे दीजिए, जबकि साफ साफ लिखा गया था कि घर में किसी की डेथ हो जाए तो उस टाइम, यानी 30 तारीख को ये पहुँचा बंदा दिल्ली, तो वो तो 7 दिन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, जिनके घर पे इमरजेंसी काम है उनको सबूत दे के वो अपने घर जा सकता है। तो उनके साथ ऐसा कर्मचारियों ने नहीं किया, उन्होंने बोला हम आपको जयपुर भेजेंगे, आपका 25,000 रुपये लगेगा, उसमें आपका गाड़ी का किराया आ जाएगा, 3,000 आपको पुलिस आपके साथ जाएगी, एक कर्मचारी 1500 उसका जाने का किराया, 1500 आने का वो खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। ये इमरान खोकर को बोला गया, वहाँ पे एक कांस्टेबल है, उसका नाम बता दूं मैं का साथियों, जो राजस्थान पुलिस का सिपाही है ज्ञान सिंह नाम का, उनके साथ इनकी झड़प हुई, उसने गालियां भी दी, इसने ये बोला कि मैं पैसा नहीं दे सकता, मुझे सीधा घर जाना है, मेरी माँ की डेथ हुई है, तो उसने नहीं माना कि रोज़ हमारे यहाँ लोग रोज़ मर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गांड पे, मतलब ऐसे कुछ गंदे वर्ड उसने बोले। वो तो वहाँ पे आर्मी थी, आर्मी के जवान भी थे, आपको पता है साथियों एयरपोर्ट पे पुलिस नहीं होती है, CRPF होती है। इसका रीज़न क्या होता है, कहीं ना कहीं मुझे भी ये दिमाग में आया कि यार एयरपोर्ट पे CRPF होती है, पुलिस को एंट्री नहीं होती, कहीं ना कहीं ये भी सच बात है कि पुलिस वाले ऐसे व्यवहार करते हैं। जो ईमानदार हैं राजस्थान गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूँ स्थिति, 5 दिन में पिछले 10 दिन के दौरान 4 से 5 ईमानदार पुलिस वालों ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं वो तो मर रहे हैं, जो बुरे लोग होते हैं ना वो उनको मौत नहीं आती, उसने उनको गालियां दी। ज्ञान सिंह नाम का है, दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप उतरो तो नेम प्लेट देख लेना भाई, राजस्थान काउंटर पे आप आओगे तो ज्ञान सिंह नाम का सिपाही मिलेगा आपको, तो आप उनसे पूछताछ करना कि ऐसा वाकया हुआ था कि आपके साथ में, और जब भी आपके साथ अगर ऐसी कोई हो तो मैं बता दूं आपको, इनके साथ में उन्होंने बदतमीजी करी, गाली वगैरह दी, फिर वो CRPF का जवान आके उनको कुछ गलत बोला कि तू चुप, मतलब अपनी भाषा में उसको समझाया, तब जाके वो चुप रहा, फिर भी ये इंटरफेयर करना पड़ा। जी हाँ साथियों, फिर उनका कोई साथी था आम आदमी पार्टी के, तैयब खान, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने अपने कोई उनका कोई नेटवर्क था वहाँ पे दिल्ली में, उनसे कांटेक्ट किया, फिर दिल्ली में जो क्वारंटाइन जो अधिकारी थे जो क्वारंटाइन करते हैं, उन्होंने बोला कि हम आपको हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रख लेंगे जो बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे पूरी सुविधा है खाने पीने की, और भाई दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन फ्री कर रखा है, ये देख लीजिए आप दिल्ली वालों के लिए। तो उन्होंने अपने तरीके से भाई उन जेक लगा, तो उन्होंने बोला हम आपको रख लेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिर उन्होंने अपने जो उनके चूरू के जो हैं नेताजी जो विधायक साहब राजेंद्र राठौड़ हैं, मैं एविडेंस डालूंगा साथ में, मैं मुझसे नहीं बोल लूँगा, फिर उन्होंने अपना बाई हैंड लेटर लिख के उन कमिश्नर को दिया जयपुर से, फिर दिल्ली गया, दिल्ली से उनके पास कॉल गया, यानी बड़ा चक्कर चला, तब जाके उनको भेजने की मतलब उन्होंने हामी भरी, वरना तो फिर उन्होंने बोला कि हम आपको चूरू डायरेक्ट भिजवा देंगे। वो कांस्टेबल जो है जो ऑफिसर है उनकी बात बता रहा हूँ कि 25,000 रुपये दे दो, उसमें गाड़ी का किराया भी आ जाएगा, हम आपको चूरू भिजवा देंगे, जबकि कायदा ये बनता था कि उनकी माँ की डेथ हुई है तो डायरेक्ट उनकी जाँच करो, नेगेटिव की उनके पास रिपोर्ट भी थी उनके पास में कि भाई COVID-19 में नेगेटिव हूँ, रिपोर्ट होने के बावजूद ये बोलने में हम क्वारंटाइन करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, जबकि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑप्शन देर नहीं रखा है, ये कहने का मतलब पूरी की पूरी दादागिरी है। अब एग्जांपल मैं दूं, जयपुर का भी एक वीडियो आया मेरे पास आज में, जयपुर में भी सेम मामला ऐसा है, यानी मुझे ये लग रहा है कि कहीं होटल के नाम से ये 420 कहीं कमीशन का पता नहीं भाई क्या चक्कर क्या है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप होटल में जाओ, आप इतने वाला लो। ये जयपुर वाला है, उसने बोला सर हमें बोल रहा है कि आप फर्स्ट ग्रेड के होटल में लो, थर्ड ग्रेड का तो ये गल्फ वाले हैं वो रहेंगे, ये ऐसी स्थिति ज़बरदस्ती आ रही है। राजस्थान गवर्नमेंट बोलती है कि फ्री क्वारंटाइन नहीं है, यहाँ पे सब पैसे देके आपको रहना पड़ेगा। तो चूरू वाले भाई के साथ ये हुआ, फिर भाई उन्होंने वो दो जगह से जेक लगवाया, राजेंद्र राठौड़ ने अपनी हैंड राइटिंग में लिख के अपनी जिम्मेदारी ली, ठीक है, विधायक जी ने
1500 रुपए की अब तक चाय नहीं पिलाई है, खाना तो दूर की बात है। सरकार वो छोड़ा, फिर भी उन्होंने गलती क्या कर दी, फोरम जो भरा उसमें रीजन लिखा फॉरेनर लिखना चाहिए था कि भाई बंदा कहाँ से है, उसने लिखा तबलीगी जमात। अब बताओ आप सोचिए कितनी लापरवाही की हद होती है भाई। तबलीगी जमात एक बंदा कतर से आ रहा है कमा के, वर्कर का वीज़ा लगा हुआ है, पासपोर्ट में वर्कर का वीज़ा लगा हुआ है और 6 महीने से 8 महीने से आ रहा है, तबलीगी जमात का मैटर कहाँ आ गया? यानी जांच का कोई विषय नहीं है, जो आया मन मर्जी लिख दिया, उसको तबलीगी जमात में बना के उसको आइसोलेट करना चाह रहे थे वो। उनकी सोच ये थी कि ऐसा करेंगे तो ये पैसा दे देगा, ये माँ बार बार बोला मेरी माँ ख़त्म हो गई मुझे घर जाना है, तो धमकी देने लग गए, रोज मरते हैं, गालियाँ भी दी उसने। तो ज्ञान सिंह नाम का सिपाही है भाई, तो कहीं ना कहीं ये सच बात है। अगर आपके साथ ऐसा हो, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये मोबाइल है सीधा सा, कुछ नहीं करना है। केजरीवाल सरकार में आए थे तब उसने क्या बोला, आप वीडियो बना लो फिर मैं देख लूंगा, ऐसे रख लो मोबाइल, कोई बड़ी बात नहीं है, कैमरा सामने दिख रहा है, अगले की वॉइस भी रिकॉर्ड होगी, अगला बैठा है तो आप ऐसे खड़े हो सामने, उसकी पूरा वीडियो बन जाएगा। अगर आप खड़े और वो खड़ा है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा पीछे चले जाना, उससे 5 फुट पीछे हो गए तो कैमरे के फोकस में आ जाएगा, उसको वीडियो बना लो, गारंटी के साथ वो नौकरी नहीं कर पाएगा। वीडियो बना के सेंड कर देना भाई मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता। सच्चाई ये है कि राजस्थान के जयपुर पे भी दिक्कत हो रही है, राजस्थान के कर्मचारी दिल्ली में बैठे हैं वो भी वहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। तो ध्यान रखें इन बात का, आप सबूत बना लें। अभी इमरान भाई के पास सबूत नहीं था, क्या करें भाई, अब मुझसे बोलने में एक एविडेंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप एविडेंस बना लो, फिर वो वर्दी है ना खूंटी पे टंग जाएगी, 2 मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, घूस के नाम पे ज़्यादा टाइम तक देर तक वो नहीं टिक पाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही बोलना था साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर राजस्थान के बंदे तक ये बात पहुँचे और वो सचेत रहे कि कोई गरीब का पैसा कोई हक नहीं मार सके। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।